तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सिंगल ऑफसेट कैसे बनाना है, डबल ऑफसेट कैसे बनाना है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर बैंड जैसे अलग अलग डिग्री का आ रहा है, तो वहां पे हमें कौन सा डिग्री का बैंड सेलेक्ट करना है, कौन सा डिग्री का बैंड लगाना है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर जो है बहुत सारा कमेंट आया है, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल जो है आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम, तो देखिए पहला है हमारा इस टाइप का, ठीक है। इसमें अगर आप इसको देखोगे, इसका डिग्री अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अलग अलग डिग्री आएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो मान लीजिए ये आता है आपका 40 डिग्री, ठीक है, और यहाँ का आता है 50 डिग्री, दोनों का अलग अलग डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा डिग्री का बैंड लगाना है, 40 का लगाना है कि 50 का लगाना है, तो इसका कैसे जो हम सिलेक्शन करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप का आपको जो है मिल सकता है, या फिर इस टाइप का मान लीजिए यहाँ पे रह गया 10 डिग्री, यहाँ पे रह गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा डिग्री का बैंड लगाना है, 90 का लगाना है कि 10 का लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये देखिए ये मान लीजिए है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमें 80 डिग्री आ रहा है ना, यहाँ पे 10 डिग्री आ रहा है, तो इसमें कौन सा लगाना है, 80 का लगाना है कि 10 का लगाना है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए इस टाइप का भी रहता है कहीं पे, दोनों 45-45 रहता है, तो वहां पे तो हम जो है 45 का ही लगाते हैं, लेकिन इस टाइप का अगर रहता है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो वीडियो को आप जो है कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको अगर समझना है, इसके बारे में जानना है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसको चेक कैसे करना है कि यहाँ पे हमें कौन सा डिग्री का बैंड लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसको जो है सेट स्क्वायर बोलते हैं, और इसे जो है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जो है इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अमेजोन से, ठीक है। ज्यादा नहीं, 50-100 रुपए में आपको जो है मिल जाएगा ये। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जो है मंगा सकते हो। तो देखिए सिंपली यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए इस टाइप का अगर कोई लाइन गया है तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इसे रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसे सेंटर में पहले रख के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने देखिए इस पे मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा जो इसका सेंटर का लाइन है, वो मैं इस लाइन से मैच करता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, सेंटर वाले लाइन को जीरो वाले लाइन से मिला दिया है, तो हमारा जो सेंटर का लाइन जो इधर गया है वो कितना पे आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 50 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा जो लाइन है वो यहाँ पे 50 डिग्री का है, हमने 40 लिखा है तो अंदाज में लिखा है, वो सही नहीं है, मतलब यहाँ पे 50 डिग्री का बैंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 50 का बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 40 का होगा, है ना। मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि कोई भी मतलब त्रिभुज होता है इस टाइप का तो उसका टोटल डिग्री 90 होता है, ये टोटल डिग्री 90 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ का 40 होगा, अगर यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ का 60 होगा, ये आपको शायद पहले से पता होगा, ठीक है। जैसे यहाँ का अगर 20 होगा तो ऊपर का 70 होगा, ठीक है, दोनों जोड़ने से 90 आना चाहिए, ठीक है। अगर वो 90 है तो वो एक क्या है, त्रिभुज है, मतलब ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो कितना है, ये देख सकते हैं आप 50 डिग्री बता रहा है हमें, ठीक है। और अगर इसी को हम यहाँ पे उल्टा चेक करते हैं तो भी 50 ही आएगा, ठीक है। आप खुद चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा में आपको जो है उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको चेक ऐसे ही करना है, पहले आपको सेट स्क्वायर ऐसे रखना है और फिर ऊपर का चेक करने के लिए ऐसे रखना है, ठीक है। अभी वीडियो आप बंद मत कीजिएगा, अभी मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे आपको फील्ड मेजरमेंट जो है लेते हैं उसमें कैसे चेक करना है वो मैं भी आपको लाइव बताऊंगा। तो सिंपल सा इतना ही लॉजिक है कि पहले आपको जैसे मान लीजिए इसका चेक करना है हमें, ठीक है, तो पहले आपको ऐसे रखना है, देख सकते हैं तो कितना आ रहा है, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर का हमारा जो लाइन गया वो लगभग 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब 60 डिग्री आ रहा है यहाँ का, तो इसको ऐसे चेक करना है, तो ये भी 60 ही आएगा, मतलब इसमें हमें
60 डिग्री का बैंड लगाना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको इसका जो है लाइफ, जो जैसे आपको जो है जब साइट पे आप काम करोगे तो कैसे इसका जो है चेक करके आपको कंफर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए ये एक जो है इस तरीके का ऑफसेट है, ठीक है, कहीं पे भी आप जहाँ पे काम करोगे इस टाइप का ऑफसेट है आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए जब आप बनाओगे तो सिंपल से उसका जो है आपको एक मेजरमेंट जरूर मिलेगा। तो मेजरमेंट हमें जो मिला है वो है 1200, इसका आधार है, ठीक है। मतलब कि ये वाला देखिए, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो मैंने पहले जो है वीडियोज में बताया हुआ है। ऑफसेट का ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उसको जो है आप देख सकते हैं, तो उसमें जो है सब कुछ जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा 1200 है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 1200। ये आधार है हमारा बेस, उसके बाद लंब मतलब कि ये वाला देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंब कितना है 2 मीटर और आधार 1200 है। तो जब आप चेक करके इसका जब आप निकालोगे कर्ण हाइपोटेनस तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर 332, ठीक है। यहाँ तक तो आप कर ही लोगे और ये सब करना बहुत ही ईजी है। आप जो है एक ट्रायंगल सॉल्वर के नाम से एक ऐप आता है, उसमें जब आप आधार और लंब डालोगे तो आपका एक कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है डिग्री भी बता देगा। जैसे आप देख सकते हैं डिग्री ए यहाँ पे 59 दिखा रहा है और डिग्री बी 30 दिखा रहा है। अपना जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन इसका अगर देखना है, जानना है, तो आप जो है सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो डिग्री कैसे निकाले फिटर की पूरी जानकारी, ठीक है। या फिर अगर ऑफसेट का आपको वीडियो देखना है तो आपको सर्च करना है ऑफसेट कैसे बनाए फिटर की पूरी जानकारी। जो भी आपको सर्च करना है, आप जो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है तो आप सिंपली यूट्यूब पे बोलिए। जैसे आपको देखना है कि रेड्यूसर कैसे बनाए तो आपको सिंपली सर्च करना है रेड्यूसर कैसे बनाए फिटर की पूरी जानकारी, आप बोलेंगे तो आपको जो है वीडियोज मिल जाएगा। ओके, तो इतना तो आप कर ही लोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारा चीज आपको जो है एक पेपर पे इस तरीके का ड्रॉ करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने आपको क्या किया है, देखिए ये आधार हमारा कितना है 1200 है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है 12 mm ले लिया है, मतलब कि 1200 बाय 2 मीटर बाय 2332 का हमें लेआउट करने के लिए बड़ा जगह चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसपे जो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वो सब सुविधा नहीं है तो जो है आपको दिक्कत होगा करने में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया इसको छोटा कर दिया, मतलब कि जो हमारा 1200 है उसे हमने क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया है, तो कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 मीटर को भी 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया, और इसी तरीके से हमने इसको भी 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 23.32, ठीक है। तो वैसे आप भी कर सकते हो, तो आपका क्या है काम छोटा जगह में भी हो जाएगा। तो हमारा ये 12 है ये वाला, 20 है ये वाला, और 23.32 है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद डिग्री तो हमारा वही रहेगा सेम, ठीक है, यहाँ का 59 डिग्री रहेगा और यहाँ का 30 डिग्री रहेगा। ये सब तो आप बुक में और पेन से जो है कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे डिग्री कैसे चेक करना है, यहाँ पे तो 59 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, तो सिंपली आपको क्या करना है सेट स्क्वायर लेना है और ऐसे रखना है, ठीक है। ये हमारा पाइप है, देख सकते हैं यहाँ से पाइप लाइन गया है, ऐसे पाइप लाइन गया है, तो ऐसे यहाँ पे इसको रखना है। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे रखा, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ऐसे लाइन गया है और ऐसे गया है जो कि कवर किया है। तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए ये जा रहा है 60 डिग्री पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए 60 डिग्री का ये लाइन है और ये ऐसे मिला है, मतलब कि ये जो लाइन हमारा जा रहा है ये वाला ऐसे जाके ऐसे जो कि कितना है 60 डिग्री है, मतलब ये कितना का बैंड यहाँ पे लगा रहा है 60 डिग्री का। अब इसी को क्या करना है उल्टा करके चेक करना है, जैसे ऐसे ये देखिए, तो उल्टा करके जब आप चेक करते हो तो इधर से लाइन आया ऐसे और देखिए ऐसे 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 आ गया 60 पे, मतलब कि यहाँ पे भी हमें 60 डिग्री का बैंड लगाना है। तो अब हमें यहाँ पे कन्फर्म मालूम हो गया कि यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें 60 डिग्री का बैंड लगाना होगा। यहाँ पे 30 आ रहा है तो हमें 30 का बैंड नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको वीडियो जो है जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसके बारे में पता चल सके। फ्रेंड्स, इस टाइप का जो है ट्रिक्स और टिप्स कोई भी नहीं बताता, ये सब सिर्फ जो है आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा
और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ये चैनल क्रिएट करने का पर्पज आप लोगों का हेल्प करना है, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, जहां तक हो सके मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, और हेल्प कर ही रहा हूं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि लेआउट कैसे किया जाता है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे बताएं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सोच रहा हूं पूरा सीरीज लाने का, एक मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे जो है लैपटॉप पे ड्राइंग मतलब किया जाता है, कैसे लेआउट किया जाता है, सब कुछ मैं बनाने का सोच रहा हूं। तो अभी थोड़ा लेट है, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, इसलिए सब्सक्राइब करके और घंटी को दबा के रखिएगा ताकि जब भी मैं जो है सीरीज स्टार्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।